लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज भी जब तुम मेरी दिख रही होती हो ना, मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन मैं ये बात नहीं भूल सकता कि तुमने मुझे धोखा दिया। बर्थडे पार्टी किसके लिए, कहाँ? अरे पिया का और किसका? ये सारा आइडिया तुम्हारी बेटी का था। बैकस्टैब होने की आदत सी हो गई। You love to use good women and you love to play a victim. You don't get it, Ved. तब तक मैं क्या करूँ? Just listen to me. जो करना मैं करूँगा। I love Tipsy. She'll be free. और वो free होगी जब करण को जेल होगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट तक पास नहीं किया है। And you guys have already decided to throw me out of this project. How can you do it? She has just signed the contract. It will reflect badly on her career. Will reflect badly on our product as well. So please try to understand. आप कंपेंसेशन का साइनिंग अमाउंट रख सकती हैं। कंपेंसेशन? कौन करा रहा है ये सब? करण ना? He's the one. मुझ पे प्रेशर डालने के लिए यही सब कर रहा होगा। पर उसे क्या लगता है? He'll try to destroy my career and I should just let it be. I will sue you guys. I will see you guys in the court. हाँ, और एक बात, अपने करण को जाके कहना कि इस बार उसने पंगा ना गलत लड़की के साथ ले लिया है। मैं दिखाऊंगी उसे मैं हूँ कौन। इस बार ना, Let's go. इस बार उस I am not done yet. I am. सनम. You can't behave like this in public. Please. Wake up. 5 साल की है। हाँ, यही सही रहेगा। You come over and then तुम लोग दोनों डिसाइड कर सकते हो कैसा रहना चाहिए इंटीरियर। थैंक यू, बाय। माय इंटीरियर डेकोरेटर तो घर आने वाली है टू डिजाइन पिया रूम। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है मिस्टर खन्ना। जस्ट टू रिमाइंड यू, ये सब कुछ टेम्प्रेरी है। एक बार केस ओवर हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। केस का मामला है, कोई प्रोडक्ट नहीं ऑफर हो रहा है जो एक हफ्ते के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। केस कब खत्म होगा किसी को नहीं पता है। As per Ved, very soon. What is this as per Ved? You know what? You guys sleep here. Main guest room mein so raha hoon. I have calls to make and prep to do. As per Ved. I love you, Tipsy. Do shirts missing hai tumhari. Ved. Kya hua, Tipsy? दो शर्ट्स मिसिंग है तुम्हारी। हाँ, तो ये लॉन्ड्री में आई होगी ना? नहीं आई ना लॉन्ड्री में, मैंने चेक कर ली तभी बोल रही हूँ। एक तो तुम्हारा ये लॉन्ड्री वाला चोर है और ये किसकी शर्ट है? ये मेरी नहीं। सीरियसली, तुम्हें अपनी और दूसरों की चीजों में फर्क ही नहीं पता कि कौन सी तुम्हारी है कौन सी किसी और की? You're right, Tipsy. यही मेरी प्रॉब्लम है, मुझे अपने और दूसरों की चीजों में फर्क नहीं पता चलता, इसीलिए लोग लेकर चले जाते हैं। और तुमने यहाँ पे मुझे आज पूरे दिन काम करने के लिए बुलाया क्या? You told me कि लंच के लिए आ जाओ, जब से आई हूँ काम ही कर रही हूँ। By the way, बनाया क्या है तुमने? Because मैं वेजिटेरियन हूँ और तुम्हारा ऑमलेट ना पिया को पसंद है। चल कर देख लो। बहुत दिन हो गए ना,
ऐसे खाना खाए तो यू कह लोगे आई वाज मिसिंग गुड ओल्ड डेज, इसलिए लंच के लिए घर पे बुलाया। चीजी क्या? तुम्हारे ऑमलेट एक्स्ट्रा चीजी होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह, इसीलिए पिया को पसंद है। But honestly, good old days. 25 दिन हो गए हैं वेद, आई नीड टू कम बैक नाउ। कल सनम के साथ बात करते लग रहा है कि इट विल बी सून। क्या कह रही थी? लाइंग अगेन? मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो सीधे सीधे मुझे थोड़ी ना बोलेगी कि वो करण को फंसा रही है। मैंने उसे कन्फ्रंट किया तो उसने लॉयर बदलने की बात कर दी। आई विल हैव टू प्ले इट सेफ, आई नो वो झूठ बोल रही है एंड वी आर वेरी क्लोज टू फाइंडिंग इट आउट। घर जा रही हूँ, थोड़े से कपड़े पैक करके रखने हैं। थैंक्स फॉर द लंच। आई लव यू टिप्सी। आपको समझ में नहीं आ रहा मिस्टर खन्ना, मैं आपको बोल चुकी हूँ जब तक मेरा काम यहाँ खत्म नहीं हो जाता मैं वहाँ नहीं आ सकती। क्या काम? सफाई कर रही होगी तुम वहाँ पर? जब तक हाथ पे झाड़ू नहीं आ जाता विड्रॉल कॉम्प्लेक्स हो जाता है तुम्हें। जो कुछ भी करना जल्दी करो, मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ तुम्हें पिकअप करने। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे मिस्टर खन्ना। बाय। आई डोंट बिलीव दिस। रियली? ये मैंने 1 महीने पहले बोरो किया था। सीरियसली? ये लौटाने आए हो? एक्चुअली नहीं। वेद, शक्कर लौटाने आए हो और बिना लौटाए जा रहे हो। आई जस्ट डोंट गेट यू। एक्चुअली आई वांट यू टू गेट मी, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, एवरीथिंग अबाउट मी। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जान जाओ कि मैं बहाना बना रहा हूँ। मैं शक्कर लौटाने नहीं, आई लव यू बोलने आया था। व्हाट? आई लव यू टिप्सी, बहुत पहले से, लेकिन बोल आज रहा हूँ। आई नो योर लाइफ इज इन मेस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारी लाइफ अभी। तुम मिस्टर करण के साथ अपना मेस क्लीन अप कर रही हो और ऊपर से ये केस, टेक्निकली आई एम अगेंस्ट यू इन दिस केस, बट केस सॉल्व हो जाएगा एंड थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। मुझे नहीं पता टिप्सी के करण के साथ रहकर अगर तुम्हारा मन बदल गया हो तो, बट आई लव यू टिप्सी। जब भी मैं तुम्हें उसके साथ देखता हूँ तो सोचता हूँ कि यू मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ by falling in love with that cat. मैं सोचता हूँ कि just give us a chance. Actually, even I want to give us a chance. I'm serious. Mr. Khanna ने blackmail करके ये जो कुछ भी किया है, you're right actually. मेरी गलती है जो मैं उनके पास वापस चली गई। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, मिस्टर खन्ना ही इज माय बिगेस्ट मिस्टेक और मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। प्यार तो क्या, मैं उनकी इज्जत भी नहीं करती। लुक एट द वे ही इज बिहेव्ड। मुझे जो कुछ भी कर रहे हैं एक बार समझ में आता है, लेकिन ही इज ड्रैग पिया इन टू ऑल दिस एंड आई हेट हिम फॉर दैट, बट एटलीस्ट आई एम ग्लैड कि Pia is not his daughter. And I'm happier that Pia and I, we both have you. Really, so I also want to give us a chance. Thank you. Thank you so much. Thank God, बचा लिया मुझे, perfect timing, नहीं तो पता नहीं क्या हंगामा होने वाला था।
वैसे यू थिंक मिस्टर खन्ना वाज कन्विंस्ड कि पिया उनकी बेटी नहीं है? आई थिंक ही वाज द वे ही लेफ्ट, है ना? एक सजेशन दो, ये लॉ वॉ छोड़ के ना एक्टिंग शुरू कर दो. इतनी कन्विंसिंग एक्टिंग की तुमने कि मुझे सच में लगा मुझे प्रपोज कर रहे हो. अगर मिस्टर खन्ना की जगह तुम एक्टिंग करते ना तो उनसे कहीं बड़े सुपरस्टार होते. Damn, Karan. You ruined things again for me. शायद गलती मेरी ही थी कि मैं सोचने लगा कि पिया मेरी बेटी है. मुझे थोड़े वक्त के लिए लगने लगा कि शायद वो मुझे अभी भी प्यार करती है, बट नहीं, वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती. ये सब सिर्फ एक नाटक था. त्रिशा, तुम यहां क्या कर रही हो और वो भी इसके साथ? प्लीज मिस्टर खन्ना, डोंट क्रिएट अ सीन. Want some? Trisha, 4 days में तेरी शादी है. I mean, what are you doing? ये रोहन वही लड़का है ना जिसके साथ तूने शादी तोड़ी थी? आप ही की वजह से. तो why are you marrying Jay? I mean, कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साइड पर, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो. वही तो प्रॉब्लम है कि आप मेरे साइड में हैं. Come on, अच्छा बताओ तुम क्यों शादी कर रही हो जय के साथ? अब क्या तुम खुश नहीं हो? जय के साथ शादी इज एस्केप रूट, वरना लोग जिंदगी भर पूछते रहेंगे कि तुम शादी कब करोगी, शादी कब करोगी. एनीवे प्लीज लिसन, बट जस्ट डोंट टेल मम्मा. ओके, आई वोंट टेल मम्मा, पर तुम सुन रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? ये कोई शादी करने का रीजन नहीं हो सकता. शादी कोई मजाक है क्या? इट रिक्वायर्स नर्चरिंग, लव, ऑनेस्टी, ट्रस्ट. व्हाट आर यू डूइंग यार? अच्छा, जैसे आपकी और मम्मा और आपकी और डॉक्टर नागराजन की थी, राइट? प्लीज मिस्टर खन्ना, यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू टॉक टू मी अबाउट रिलेशनशिप्स. आफ्टर ऑल मैं आपकी बेटी हूँ. हाँ, आप आपके जीन्स मुझ में होंगे, वी आर इन द सेम जीन पूल. आफ्टर ऑल मैं आपके ही जैसी हूँ, अल्कोहलिक, स्क्रूड अप, मेस्ड अप, राइट? Trisha, listen to me. Please, यार, तू don't get married just to get back at me. Please, for God's sake. आप कितने delusional है मिस्टर खन्ना. आपको लगता है कि सब कुछ आपके बारे में ही है ना? God. और रही बात लाइफ रुइन होने की, तो वो ऑलरेडी हो चुकी है. आई वॉज बॉर्न टू यू, लेकिन पापा हमारी लाइफ में आए और उन्होंने मम्मा और मुझे संभाला. आपको सेकेंड चांस चाहिए था ना, और आपको मिला. बिकॉज करण खन्ना ऑलवेज गेट्स वॉट ही वॉन्ट्स. पापा पास्ट अवे, बट तब तक यू आर ऑलरेडी मूव्ड ऑन. यू गॉट योरसेल्फ अ ब्रांड न्यू वाइफ एंड अ न्यू चाइल्ड. मैंने आपके साथ एटलीस्ट कुछ साल गुजारे, बट आपकी बेटी, पुअर गर्ल. मिस्टर खन्ना, यू आर लाइक एसिड. आप जिसके कॉन्टैक्ट में आते हैं वो डैमेज और डिसफिगर हो जाता है. आपने हमारे साथ भी वही किया और आप अपनी नई फैमिली के साथ भी ऐसा ही करेंगे. यू नो व्हाट मिस्टर खन्ना, कांग्रेचुलेशंस, यू रुइन इट फॉर एवरीवन. सर, ये आपके लिए. ठीक है, जाओ.
आपको पता है ना ये इल्लीगल है। यस।